अस्सलाम वालेकुम, आपको वसीम पॉइंट टीवी में खुश आमदीद। ब्राय करम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम आपको इस वीडियो में कुरान मजीद की सूरत इखलास के बारे में चंद दिलचस्प हकायक बताएंगे। सूरत इखलास कुरान मजीद की उन सूरतों में से एक है जो दीन इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं, लेकिन अगर कोई अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी लाना चाहता है तो वो ये वीडियो मुकम्मल देखे। अल्लाह ताला मुसलमानों में आजिज और मोमिनों से मोहब्बत करते हैं और ये वो लोग हैं जिनकी दुआएं अल्लाह सुबहाना व ताला कसर से कबूल करते हैं। जो लोग अल्लाह ताला से खलूस दिल से मांगते हैं, अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों को वो चीज़ अता फरमाते हैं। अगर वो चीज़ दीन इस्लाम में जायज़ हो, चाहे वो चीज़ रूहानी हो या दुनियावी चीज़ों में से कोई एक, जो लोग बाकायदगी से सूरत इखलास की तलावत करते हैं वो अल्लाह ताला के नज़दीक पाकीज़ा समझे जाते हैं और सूरत इखलास पढ़ने वाले लोगों की अक्ल में इजाफा भी होता है। इसके अलावा वो जो भी काम करते हैं उसमें कामयाबी भी हासिल करते हैं। बहुत से लोग जिन्हें मुश्किल वक्त का सामना था, रूहानी शख्सियात ने इन्हें सूरत इखलास की तलावत करने को कहा और उनमें से अक्सर लोग सूरत इखलास की बाकायदगी से तलावत करने के बाद इत्मीनान और खुशी का इजहार करते हैं। सूरत इखलास के बारे में एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये कि जो भी इसकी तलावत करता है वो हर किस्म की बीमारियों और वायरल इन्फेक्शन से महफूज रहता है। इसके साथ साथ लोगों की अक्ल में भी इजाफा होता है। सूरत इखलास पढ़ने वालों के लिए तीन बड़ी खुशखबरियां हैं। इन तीनों में से सबसे पहले खुशखबरी सूरत इखलास तीन मरतबा तलावत करने से मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल होता है। इसके बाद कौन नहीं चाहता कि उसका घर जन्नत में बने, जाहिर है हर कोई ये चाहता है, तो 10 बार सूरत इखलास पढ़ने से आपको जन्नत में अपना घर बनाने का मौका मिलेगा। और इस बात की दलील हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है से ये बात साबित होती है। तीसरी खुशखबरी ये है कि अगर आपको काम करने में दुश्वारी हो रही हो, यानी कारोबार में या नौकरी में या कोई घरेलू मसला हो, तो आज ही से सूरत इखलास का विद शुरू कर दें। इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में इसके नतायज यकीनन आपको हैरान कर देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि सूरत इखलास की बरकत से हम सब की परेशानियां और दुश्वारियों को दूर फरमाए। आमीन। इस्लाम के मुतल्लिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी भी मालूमाती वीडियोस से महरूम ना रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं।